बाजार नागपुर का ये परिसर है और इस परिसर में जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले और क्रांतिबा ज्योतिराव फूले इनकी जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, इन प्रतिमाओं को अभिवादन करने लोग पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि ये सारे कलाकार और इनके जो झंडे हैं इस पे लिखा है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। अब देखिएगा कि सारे संगठन सारे कार्यकर्ता इस समय क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को अभिवादन करने यहाँ पहुँचे हैं। आज उनका ये जयंती दिवस है। आप कहाँ से हैं आप लोग? नागपुर इमामबाड़ा। नागपुर इमामबाड़ा से। ये जो आप यहाँ गीतों के द्वारा सावित्रीबाई को श्रद्धा अभिवादन कर रहे हैं उनके जयंती दिवस पर, क्या गीतों के द्वारा? तो आपने कहा कि भाई भीड़ेवाड़ा की जो स्थिति वर्तमान में है वो वर्तमान में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। बड़े लंबे समय से ये मांग भी रही है कि भाई इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, ऐसा हुआ नहीं, क्या कहोगे आज आप? हमारे कार्यक्रम का जो ये लेवल है छोटे लेवल से शुरुआत हो चुकी है, अब आगाज बहुत बड़े लेवल का होने वाला है। अच्छा, इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। ये आज अगर सावित्रीबाई को याद किया जाए तो किस रूप में किया जाए? शिक्षा की देवी, और असल मायने में कहा जाए तो महिलाओं के लिए शिक्षा को शुरू करने वाली प्रणेता, एक क्रांतिकारी, अपने आप में जो उलगुलान ढालने वाली, जिसने कई लोगों की बातें सुनी, कई लोगों की बातें सुनी, मतलब जुल्म झेला, लेकिन वो अपने मतलब स्टैंड पे एकदम जबरदस्त खड़ी रही। ऐसी महिला से सारी महिलाओं को, मैं कहता हूँ दुनिया की सारी महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और देवी मान के उनको पूजना चाहिए। दरअसल ये फूले दंपत्ति का जो पूरा कार्य है, ये कार्य किसी एक क्षेत्र में नहीं आता बल्कि पूरे आमूलाग्र परिवर्तन की ओर लेकर जाता है। आज अगर सावित्रीबाई को याद किया जाए किस रूप में? आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ये सब देश भर में आज इनके जन्म दिन मनाया जा रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, ये हमारे परिवार से मिलके, हमारे भाईजान ने अभी बहुत अच्छे गाने सावित्रीबाई फूले पर गाए हैं। संगठन हो तो ऐसा हो, नेतागिरी तो काफी चलती है, नेतागिरी तो आज के दुनिया में मुंह देख के है, पर ये जो भाई हमारे यहाँ पे आज खड़े हैं और इन्होंने एक संगठन के मजबूत करे है, तो ये तो मैं सावित्रीबाई फूले को, क्योंकि सावित्रीबाई फूले ने जो आपने संघर्ष करे है वो सब समाज के लिए करा है। जब उन्होंने जात पात कुछ नहीं देखा है, और उन्होंने एक जात पात नहीं देखा है तो उसके साथ साथ आज एक महिला सक्षम हुई है, तो ये सावित्रीबाई फूले के। सबसे पहले उन्होंने जब पुणे में स्कूल खोले तो उनके स्कूल में जब, आप क्रांति ज्योति से क्या प्रेरणा लेते हैं? हमारे जो प्रेरणा, उनकी प्रेरणा वही है हमारे समाज में
ट्रेनर चलती है, उनके थ्रू ही आज हम आपके सामने खड़े जी। इस समय हम लोग हैं नागपुर के इस फूले बाजार परिसर में, और फूले बाजार परिसर में इस समय यहाँ जो बहुत सारे संगठन पहुँचे हैं सावित्री बाई को अभिवादन करने उनके जयंती दिवस पर। इस समय जब हम फूले बाजार परिसर नागपुर में सावित्री बाई फूले की जयंती पर यहाँ उपस्थित हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारी बहनें यहाँ आज सावित्री बाई को अभिवादन करने चली आई हैं। आज हम आपसे जानना चाहें कि आप सावित्री बाई के कार्यों से, उनके संघर्ष से क्या प्रेरणा लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? उनके संघर्ष से यही प्रेरणा लेते हैं कि स्त्री ने हर क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। वो प्रेरणा मूर्ति है सावित्री बाई हमारे लिए, उनके कार्य देखकर हमें हर दिन प्रेरणा मिलती है। तो उनकी प्रेरणा से हमें कार्य करने की, आगे जाने की, हर क्षेत्र में काम करने की आज महिलाओं ने ताकत रखनी चाहिए, और महिला उनके कार्यों से प्रेरित होकर बड़ी हिम्मत से काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है, आप सावित्रीबाई फुले का आपके जीवन में कितना योगदान देखते हैं? बहुत सारा योगदान है, क्योंकि देखिए जो लड़कियों को जिन्होंने आगे लाया है वो सावित्रीबाई फुले ही है, उनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो जितने हम आगे बढ़ रहे हैं वो किनकी वजह से? उनकी वजह से। अगर वो आगे नहीं आते थे तो काश हम अभी भी घर में ही बैठे रहते थे। तो काफ़ी सारा योगदान है, उनकी प्रेरणा से काफ़ी सारी चीज़ें करने को भी मिलती है और करने का उत्साह भी रहता है। आप कभी पुणे गए हैं? हाँ गई हूँ ना। आप भेड़ेवाड़ा गए? हाँ बिल्कुल गई हूँ। वो भेड़ेवाड़ा की वो पहली स्कूल आपने देखे है? हाँ देखे हूँ, भेड़ेवाड़ा देखे, 2 साल पहले देखे थे। क्या उसकी स्थिति अच्छी है? नहीं बहुत गंदी है, बहुत खराब है उसकी स्थिति, बहुत खराब। मतलब भेड़ेवाड़ा के जगह उनके सम्मान के कारण उनका एक मतलब बड़ी कुछ तो भी होने चाहिए, स्कूल बननी चाहिए वहाँ, एक प्रेरणा का। फुले दाम्पत्यों ने जो काम किया है एजुकेशन के बारे में और जो भी ओबीसी के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जो काम किया है उस वो देखा जाए तो उनकी जो आज स्थिति है वो बहुत दयनीय है। एक बड़े लंबे समय से मांग रही है कि ये जो भेड़ेवाड़ा की पहली स्कूल जो फुले दंपत्ति ने शुरू की, इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, स्मारक होना ही चाहिए। बहुत सारी चीजों के स्मारक बन जाते हैं। नहीं, उनका वो आशिया की पहली महिला है जिन्होंने शिक्षण के बारे में आगे आके शिक्षण नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे स्मारक बन जाते हैं, ये स्मारक नहीं बन पाया। हाँ वही तो, उसके लिए अपन लोगों ने, सब लोगों ने आगे आना चाहिए। क्यों नहीं बन पाया ये थोड़ा लोगों ने भी सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बन पाया है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा है? एक सावित्री की बेटी की क्या मंशा हो सकती है? बिल्कुल बनना ही चाहिए और बहुत जल्द बनना चाहिए। बहुत जल्द सावित्री बाई फूले ने जो पहली स्कूल पुणे के भीड़ेवाड़ा में शुरू की, उसकी हालत को जरा ठीक किया जाए और उसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाए, ये बात भी यहाँ से उभर कर सामने आती है। उनके संघर्ष से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? नमस्कार, मैं रुतिका डाफ, मैं अभी युवा पीढ़ी हूँ और युवा पीढ़ी को बढ़ाने के लिए क्रांति ज्योति महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले, इन्होंने स्कूल नहीं शुरू की होती तो हम जैसे अभी नहीं रहते यहाँ पे। और जो तरुण तरुणी यानी यूथ है उनको नहीं समझ में आता था, नहीं पढ़ते थे, जो बड़े बड़े इसमें है, जो राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने और महिला ही है, तो ये किस लिए? वो हमारी सावित्रीबाई फुले उनके लिए, उनके कारण है। फुले दंपति का एक बड़ा संघर्ष रहा है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, सहज मिलनी चाहिए, सरल मिलनी चाहिए। इस वक्त में हम शिक्षा में इतने चैलेंजेस देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त में क्या करने की जरूरत है? वो तो सही बात है, शिक्षा में बहुत चैलेंज देख रहे हैं, जहाँ पे एडमिशन नहीं हो रही है, डोनेशन इतना बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बंद करना चाहिए पहली बात तो। और जो पुणे, जो अभी आप देख रहे हो, आपने सुना होगा पुणे में सावित्रीबाई फुले की स्कूल है, उसको पूरा खंडर बना के रखा है, एटलीस्ट उसको थोड़ा, आप इतना समझते हो, इन्होंने अपना योगदान दिया है इतना विद्या शिक्षा में, प्लीज़ वो तो भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, वो स्कूल को करना चाहिए। और जहाँ पुणे यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि महात्मा फुले नाम से ही वो है पुणे यूनिवर्सिटी, पर उनके जो लोगो है उसमें वो
एक लोगो में उनका अलग चित्र है, ना सावित्रीबाई फुले का फोटो है ना ज्योतिबा फुले का फोटो है, तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इन चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आज इस समय हम लोग फूले बाजार परिसर में है नागपुर में। आज नागपुर के इस सावित्रीबाई फूले प्रतिमा परिसर से आपके पास ये अभिवादन की बात पहुंचा रहे हैं। आज अगर सावित्रीबाई को याद किया जाए, फातिमा बी को याद किया जाए, यदि सगुना जी को याद किया जाए, तो किस रूप में याद किया जाए? उनका जन्म 3 जनवरी। हाँ, आज 3 जनवरी है, सावित्रीबाई का जयंती दिवस है, अगर उनको याद किया जाए तो आप किस रूप में याद करेंगे? वो शिक्षिका बनी थी, वो भारत की पहली वाली। आज हम उनको इस रूप में याद करेंगे कि आज 3 जनवरी है और उनका जन्मदिन है, और उन्होंने जो महिलाओं के लिए शिक्षक पहली स्कूल खोली है बहुत बड़ी बात है, और आज जो महिला निकल रही है ये उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं के कारण है कि आज इतना महिला को इतना रोजगार और पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ रही है महिला, और उनके ये बहुत खुशी की बात है। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने उस टाइम में उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, गोबरियाँ फेंकी गई, उनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध के विपरीत उन लोग ने काम किया और लेडीज़ को बहुत आगे ले जाने का, उनको आज का जो भी लेडीज़ को आगे जाने का जो शेय पूरा फातिमा शेख और महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले को जाता है, और इन्होंने लेडीज़ के लिए बहुत काम किया। आज शिक्षक की जो लेडीज़ हासिल कर रही है, शिक्षा की सावित्रीबाई की मेहरबानी है, ऐसा बोलेंगे हम तो चलेगा। आप क्या प्रेरणा लेते हैं? उन्होंने जो शिक्षा का जो शुरुआत किया महिलाओं की खास करके, उसके बारे में एक क्रांति उन्होंने डाली, जिससे कि आज जो देश में जो महिलाएं आगे बढ़ रही, उसका ही उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिससे आज महिलाएं आज पूरी प्रगति पे और अपनी शिक्षा में आगे बढ़कर समाज में एक बहुत आगे बढ़ के काम कर रही है। फुले दंपति का एक बड़ा स्वप्न रहा, और स्वयं ज्योतिबा फुले हंटर कमीशन के पास जाते हैं शिक्षा की उस दुर्व्यवस्था के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए वे काम करते हैं, उनका पूरा जीवन संघर्ष का जीवन दिखाई देता है। आज जब उनको इतने वर्षों बाद उनकी जो मंशा रही कि वे सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सहज मिलनी चाहिए, सरल मिलनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस समय शिक्षा में इतने चैलेंजेस देखते हैं हम लोग? बात यही तो हमारे देश में दुख की बात है कि आज भी हमारे कई बच्चे रास्ते पे घूमते हुए दिखते हैं, वो तो अभी भी हम गवर्नमेंट बार बार बोलती है कि भी जो बच्चे स्कूल में अभी तक नहीं गए जा पाए उनको हम स्कूल तक ले आए, मगर हम इस मुहिम में अभी भी पूरी तरह से सफल नहीं रहे। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? क्या सरकार के पास बजट नहीं है? नहीं नहीं, पैसा है बहुत है, नीयत नहीं है। अच्छा। इनको यही करना है। अब देखिए ना, आपकी अभी जो इकोनॉमी, अभी तो एजुकेशन में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बजट में कम कर दिया है, तो यही तो दुख की बात है कि इनको यही व्यवस्था रखनी है, क्योंकि ये लोग जो है आज जो सत्ता में बैठे हैं इनका मनुस्मृति के ऊपर काफ़ी विश्वास है, और फिर से ये मनुस्मृति इस देश में लाना चाहते हैं ताकि जाति भेद और धर्म भेद फिर से रहे यहाँ पे, और इनकी व्यवस्था में हम लोग जो पिछड़े समाज के इनकी सेवा में रहे, ताकि हम और ना हमको स्कूल में जा पाए, स्कूल में जाएंगे तो हम अधिकार मांगेंगे, हमारे हक मांगेंगे, यही उनको तो तकलीफ है। तो इसका उपाय क्या देखते हैं आप? उपाय तो यही है कि सत्ता में परिवर्तन विचार यहाँ पे है, एक प्रकार से क्रांतिकारी सत्ता परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है इस देश। आज जब सावित्रीबाई फुले को याद किया जा रहा है तो उसका रूप ये भी है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबा ज्योतिबा फुले इनके जीवन संघर्ष का ये भी एक पहलू रहा है कि उन्हें समाज के बदलाव को आमूलाग्र रूप में परिवर्तन के रूप में देखा। समय से ये संघर्ष भी चल रहा है कि फुले दंपत्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज सावित्रीबाई फुले का ये जयंती दिवस है, आज फिर ये मांग आती है, हर बार उनके अभिवादन दिवस पर, उनके जयंती दिवस पर ये मांग जरूर उठती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव दिखता नहीं, क्या बात? मेरा नाम भूषण दड़वे है, आपके जानकारी के लिए हिसाब से बताना चाहता हूँ कि 2000 में स्वर्गवासी विलासराव देशमुख तत्कालीन मुख्यमंत्री, इन्होंने प्रस्ताव ठहराव भेजे थे केंद्र सरकार को कि भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए करके, उसके बाद हम 30 साल से महाराष्ट्र राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा, महात्मा फुले सामाजिक न्याय परिषद, दूसरे अखिल भारतीय सर्वोदय कला समाज की ओर से, और महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर वसंत दलित मित्र संघ की ओर से हम हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, और हम संघर्ष करते करते आज कई 23 साल संघर्ष कर रहे हैं,
आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 16 जून 2015 को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री इन्होंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था कि भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए करके। आज 7 साल हो गए। उसके बाद 8/11/2000 को अपने वन मंत्री जो है सुधीर मुनगंटीवार, इन्होंने भी पत्र लिखा था। मुझे दुख की बात इस बात की लग रही है कि जब ये जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री अर्थमंत्री, ये कई बार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मिले, गृह मंत्री जी को मिले, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से, 13 करोड़ जनता की ओर से, आप कई बार उनको मिले पर आज तक के ये मांग क्यों नहीं उठाई कि भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए करके। इसके बाद बाकी के लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला। आप कहते हैं कि सबने पत्र लिखे, ये नहीं मिला, नहीं मिलता है, 23 साल से आप लड़ रहे हैं, इस बात को समझा कैसे जाए? समझा प्रमाण है मेरे पास, इसके लेटर नहीं, नहीं, नहीं। इस बात को कैसे समझा जाए, क्या इच्छा नहीं है या फिर बहुत मुश्किल काम है? नहीं, इच्छा मानसिक इच्छा ही नहीं है। इच्छा अगर रहती अब्दुल कलाम अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनको दे सकते हैं। महात्मा फुले ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे, दूसरी बात गांधी जी के गुरु थे, और जिन्होंने 1857 में शिवाजी की जो है अपनी समाधि वो खोज के लाई, उनका इतना बड़ा इतिहास है। देश की पहली स्कूल निकाले उन्होंने 1848 में, उनका इतना बड़ा भीड़। तो फिर आप 23 साल से इस मांग को कर रहे हैं, ये मांग पूरी होती ही नहीं, क्या मतलब? बड़े दुख की बात है ना, मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री इनसे मिला, मैं सामाजिक न्याय मंत्री जो थे केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत इनको मिला, रामदास आठवले को मिला, सबको मिला, सब हाँ बोलते हैं, मगर जब तक के अपने देश के पंतप्रधान और गृह मंत्री इनके दिमाग में जब तक ये बात आती नहीं भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए, तब तक के भारत रत्न पुरस्कार मिलता नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आवाज के चैनल के माध्यम से, देश के जो अपने पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज 13 करोड़ जो जनता है महाराष्ट्र की और देश की जो जनता है, शाहू फुले अम्बेडकर को मानने वाले, आप इस 2023 में कम से कम महात्मा फुले दांपत्य को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। और आपको जानकारी बता रहा हूँ, इनके वंशज पुणे में रहते हैं, जिसको हमने 2011 में नागपुर में लाए थे, आपको मालूम है आपको, और उनको न्याय मिलाने के लिए हमने मदद की, जब 3 लोगों को नौकरी मिली। दूसरी बात हमारी मांग है, भेड़ेवाड़ा जो है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए, हमारी इसी आपके चैनल से मांग है, और मेरी उनके हाथ जोड़ से विनंती की इसके लिए उन्होंने इसके सोचना चाहिए। और हमारे दुख की बात, हमारे ओबीसी समाज के शाहू फुले अम्बेडकर को मानने वाले, पुनः जब आता है तब इनको शाहू फुले अम्बेडकर की याद आती है, उसके बाद भूल जाती है, दुख की बात है। और हमारे लोग भी इनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं, हमारे लिए भी दुख की बात है। सर, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विकास केंद्र नागपुर में, यह अनुसूचित जाति में वंचित समाज, सफाई कामगार समाज में महापुरुषों की विचारधारा को प्रेरणे का काम करते हैं, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज, इनके जो विचार थे, इनके जो कार्य थे, जो वंचित घटक है, इन घटकों तक विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हम उसे प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, और आज हम यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हुए। आज सर्वप्रथम संपूर्ण देशवासियों को आई सावित्रीबाई फुले की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम उनके विचारों से, इनके जो विचार है विशेषकर स्त्री शिक्षा के संदर्भ में, महात्मा फुले के कार्यों को अगर असल में कोई स्त्री ने पढ़ाया तो उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने, जिन्होंने उनके मृत्यु के बाद भी इस मोमेंट को, सत्य शोधक समाज के मोमेंट को जिंदा रखा, और जब तक वो जीवित थे वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। महात्मा फुले जैसा देशभक्त, समाजभक्त इस भारत वर्ष में कभी पैदा हुआ ही नहीं ना होगा, कारण क्योंकि महात्मा फुले ने उस पीढ़ी में काम किया जहां विषमता वाली जितनी भी ताकतें अपनी प्रबल स्थिति में थी, ऐसी विपरीत परिस्थिति में महिलाओं के लिए स्कूल का आरंभ करना, बाल हत्याएं होती थी, उन हत्याओं को पालना पोषना दत्तक योजना के माध्यम से, और लेबर मूवमेंट में एक जन जागृति के माध्यम से, किसानों के माध्यम से महात्मा फुले ने बहुत बड़ा काम किया, और ये सारी योजनाओं को सावित्रीबाई ने अपने बलबूते में जिंदा रखा। सर, तुम्हें कहीं संतो बनता का है? चलो क्या लोग, सावित्रीबाई फुले हैं आमचे आदर्श आहेत, आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारत रत्न हे मिळालंच पाहिजे। अनेक वर्षापासून, म्हणजे 32 वर्षापासून ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही याच्यासाठी संघर्ष करीत आहोत। भूषण दळवे याच्यासाठी
प्रयत्नशील म्हणजे आहेत, त्यांनी म्हणजे प्रत्येकदा म्हणजे आंदोलन केलेलं आहे. सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न मिळालं पाहिजे आणि ज्योतिबा फुले यांना म्हणजे भारतरत्न मिळालं पाहिजे यासाठी नेहमी त्यांचा संघर्ष सुरू असते. आणि आमच्या महिलांची म्हणजे एक अशी म्हणजे विचारधारणा आहे की सावित्रीबाई फुले हे म्हणजे पूर्ण संपूर्ण देशामध्ये एक आदर्श त्यांनी ठेवला आहे महिला शिक्षणाचा, म्हणून त्यांना पण भारतरत्न मिळालंच पाहिजे. महात्मा ज्योतिबा फुलेचे युगपुरुष थे और युगश्री सावित्रीबाई फुले हमारे भारत की पहली भारतीय शिक्षिका और उनके साथ फातिमा शेख ये पहली मुस्लिम शिक्षिका. महात्मा ज्योतिबा फुले ने तभी बताया था कि सबको प्राथमिक शिक्षण दिया जाए और वो भी मुफ्त दिया जाए. शिक्षण इसलिए क्योंकि शिक्षण से ही आदमी सोचता है, उसकी सोच बढ़ती है, क्या अच्छा क्या बुरा ये उसकी समझ में आता है. इसलिए शिक्षण महत्वपूर्ण. और वो सिर्फ कहने वाले नहीं थे, उन्होंने अपनी जीवन साथी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया लिखाया, पहली भारतीय शिक्षिका बनाया. और उनके दोस्त उस्मान शेख ने फातिमा शेख को सावित्रीबाई के साथ भेजा और हमें बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हमारी फातिमा शेख भी मुस्लिम समाज की पहली शिक्षिका है. आज शैक्षणिक जो धोरण है वो जो बदल रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से बदल रहे हैं. किसी एक समाज ने, ज्योतिबा फुले ने जब स्कूल निकाली, सावित्रीबाई ने जब पढ़ाना शुरू किया तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई. सवर्ण लोग बोलते थे स्कूल में क्यों जाते हो, स्कूल क्यों खोला. लेकिन स्कूल ज्योतिबा फुले ने सभी के लिए खोला था. और आपको बताते हुए हम सभी यहाँ आज उपस्थित है कि सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने 1 जनवरी 1848 में जो पहली स्कूल बनाई उसमें 3 बमन लड़कियाँ थी, 2 धनगर लड़कियाँ थी और 1 बौद्ध समाज की थी. यह शिक्षण का जोत उन्होंने लगाई क्योंकि मनुष्य जो है अगर शिक्षा नहीं है तो आदमी जानवर है. और जिस आदमी में शिक्षा है शिक्षण है वो आदमी है. और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया वो अद्वितीय असामान्य है. आज हम सिर्फ उनके जन्मदिन और मृत्यु दिन पर आपको क्या लगता है कि उनके जयंती दिवस पर इस संकल्प के साथ जाएं कि इस शिक्षा नीति को इस वर्तमान की शिक्षा आंदोलन की जो शिक्षण प्रणाली है, जो शिक्षण धोरण है, उसके बारे में हम सब मिलकर उसका संघर्ष करें, उसका विरोध करें और जो बहुजनों को न्याय दे. बहुजन में मुझे सब कुछ संबंधित है, उसमें सभी जाति पंथी के लोग हैं. और महात्मा ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने माणसानी माणसाशी माणसासारखं वागावं म्हणून काम केलं. आणि या सरकारनी, भारत सरकारनी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या अजोड असामान्य कार्याला भारतरत्न पुरस्कार देऊन आपला गौरव वाढवावा, कारण त्यांचं काम अद्वितीय आणि आम्ही सगळ्यांनी. अच्छा, लेकिन ताई एक बात तो ये भी देखते हैं कि फुले दंपतीने मतलब सावित्रीबाई फुले, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले इन दोनों ने मिलकर, फातिमा उनके साथ है, सगुणा उनके साथ है, बीड़ेवाड़ा में पहली स्कूल खोली, ये सारी पहली शिक्षिकाएं बनी महिलाओं के लिए, अछूतों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो सारे वंचित, जिन लोगों को कोई स्कूल नहीं था, स्कूल एक ही वर्ग के पास था, बाकी सबके पास नहीं था. क्या ऐसी स्कूल को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इतने बरस लगने चाहिए? क्या सरकार के पास बजट कम पड़ता होगा, क्या लगता है आपको? सरकार के पास बजट नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ. जो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के वारसदार है, हमने ये वो करना चाहिए ना, नहीं वो कर रहे सरकार. तो आपको क्या लगता है कि कैसी पहल होनी चाहिए? सामाजिक संस्थाओं ने इसमें अग्रसर होना चाहिए और राष्ट्रीय स्मारक बना लेना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, हम सामाजिक दायित्व है, हम महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई के वारसदार है. अगर सरकार ने बनाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बना रही है तो सावित्रीबाई और ज्योतिबा के बच्चों ने, फातिमा के बच्चों ने ये बनाना चाहिए. हम इस समय जब शैल जमीनी से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर राष्ट्रीय स्मारक नहीं बन रहा है तो वो पहल करें जो सावित्री के बच्चे हैं,
उन बच्चों ने आगे बढ़ जाना चाहिए, उन बेटियों ने, उन बेटों ने आगे बढ़ना चाहिए और उस पहली स्कूल से को जहां से ये सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की नींव रखी गई उस नींव को और मजबूत बनाना चाहिए। ताई आप हमारे साथ बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज क्या संदेश होगा आपका? मैं सावित्री चौधरी मंच से पूजा बस से बात कर रही हूँ। मैं यही चाहूंगी कि सावित्री बाई के जो उन्होंने सपना जो ख्वाब देखे थे वो आम सावित्री के लड़कियों ने, सावित्री की बेटियों ने वो पूरे करने चाहिए और उनके नक्शे कदमों पे चलना चाहिए। मैं यही संदेश दूंगी कि उनके विचार, उनके आचार विचार और उनके जो ख्वाब थे, जो महिला शिक्षित हो वो आगे बढ़े, वो हर लड़की ने उनका सपना साकार करना चाहिए और उनके विचार घर घरों में लेके जाने चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहूंगी। सावित्री आई मानो हमारी सबसे आद्य माता है, वो शिक्षा की गंगोत्री है, लेकिन जिन्होंने शिक्षा की गंगोत्री शुरू की वो राष्ट्रपिता महात्मा फुले और आई सावित्री, इन्हीं के विचारों को न मानने वाली जो महाराष्ट्र की या केंद्र की पिछली या वर्तमान सरकार है, उनका हम सभी संविधान परिवार के सदस्य निषेध करते हैं। इतने सालों से फुले दांपत्य को भारत रत्न दिया जाए, ये जो मांगनी है, ये जो डिमांड है, ये जो मांग है, ये नकारने वाली सरकार बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा पाप कर रही है। अगर इन्होंने जितनी भी गलतियाँ की तो उनको सुधारने का ये मौका है कि फुले दांपत्य को भारत रत्न प्रदान करे और जो भिड़ेवाड़ा है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। जो सावित्री आई ने और महात्मा फुले ने शिक्षा का दौर शुरू किया उसको बंद करने वाली ये सरकार कभी भी समाज के हितैषी नहीं हो सकते। बातें करना, आश्वासन देना अलग बात है, लेकिन उनके विचारों पे ना चलते हुए जो सरकारी स्कूलें हैं वो बंद करना, जो शिक्षा है उसका खाजगीकरण करना, ये जो बुरा नतीजा है इसके परिणाम आने वाले सरकार को आने वाले दिनों में भुगतने पड़ेंगे। अगर सही मानों में ये शिक्षा के हितैषी है, बहुजनों के हितैषी है, तो जैसे आपने कहा कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में शिक्षा और आरोग्य ये फ्री हो, ये जो मांग रखी थी उस पे अमल करना, यही सावित्री आई और महात्मा फुले को सही मानों में मानवंदना है, इस पर उन्होंने अमल करना चाहिए। धन्यवाद जी। सर अगर हम ये जानना चाहें कि वर्तमान शिक्षा आंदोलन को सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इनके आंदोलन से क्या प्रेरणा लेना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? अभी देखो 200 साल पहले फुले जी ने, महात्मा फुले जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने जो प्राइवेट सेक्टर, जो बिना अनुदान जो स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, तब उस वक्त विरोध किया था। तो आज जो बिना अनुदानित जो स्कूल है, कॉलेजेस है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, ये तो सामान्य आदमी के जो जीने का जो सहारा था वो पूरा टूट गया हुआ, टूटा हुआ है, क्योंकि सामान्य आदमी जी नहीं सकता और उच्च शिक्षण ले नहीं सकता। और इस ऐसे दौर में सावित्री बाई यदि रहती है तो ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे सावित्री बाई। लेकिन देखिए कि अभी सावित्री बाई तो है नहीं और आप प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसरों का एक बड़ा कुनबा है, तो आपको क्या लगता है कि आज अगर सावित्री बाई को अभिवादन किया जाए तो किस रूप में किया जाए? तो ये इस सरकार के विरोध में जो शिक्षा नीति है, जो नई जो शिक्षा नीति आई है, उसके विरोध में बड़े बड़े पैमाने पर आंदोलन खड़ा होना चाहिए, ताकि इस देश के सामान्य से सामान्य आदमी को उसको शिक्षा मिलने चाहिए। यही हमारी आज के दिन की सावित्री माई को श्रद्धांजलि है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और ये आग्रह जो रहा फुले दंपत्ति का, इसी आग्रह के साथ आज सावित्री बाई फुले को उनके जयंती दिवस पर अभिवादन किया जा रहा है। जिन्होंने देश में वंचित समाज के न्याय के लिए, उनके हक के लिए, जो सबसे बुनियादी जो मसला है यानी शिक्षा का मसला, उसके दरवाजे खोलने का काम पूरे देश में पहली बार महाराष्ट्र में उन्होंने किया। उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं सहा, जो प्रस्तापित समाज था वो प्रस्तापित समाज वंचितों के शिक्षा के खिलाफ में रहा, उन्होंने उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद रखे थे, वो दरवाजे खोलने का काम क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले ने लोगों की गालियां सुनकर, लोगों के पत्थर झेल कर भी उन्होंने वो स्कूल को खोला और वंचित समाज के लिए शिक्षा की पहली सीढ़ी बने वो। लेकिन हम अगर उसके उपरांत में आज देखते हैं कि जनतंत्र आया देश में, आज़ादी मिली,
वंचितों का न्याय के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, उसमें न्याय की बात कही, शिक्षा की बात की, छोटे से बच्चे से लेकर तो अंतिम शिक्षा उच्च शिक्षा में न्याय के लिए आरक्षण से लेकर वो निशुल्क हो उसके लिए उन्होंने उसमें संविधान में संशोधन किया, संविधान में अनुच्छेद रखे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा के नए नए स्तर बनते जा रहे हैं, जो वंचितों के हक के लिए समान शिक्षा के हम लोग बात करते थे, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते थे, वो शिक्षा दिन ब दिन बंद होती जा रही है, वो शिक्षा उसका स्तर गिरते जा रहा है, वंचित समाज उससे बाहर होते जा रहा है और एक नया स्तर बनते जा रहा है शिक्षा में, जो जिसको CBSE पैटर्न कहते हैं, जिसको इंटरनेशनल स्कूल की बात करते हैं, पब्लिक स्कूल की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल की बात करके उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है, और जो सरकारी शिक्षा है वो सरकारी शिक्षा दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और उसमें जो जिस वंचित समाज के न्याय और बुनियाद का जो सवाल था शिक्षा का, वो हमारे हाथ से छीनता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इन सारी स्थितियों का उपचार क्या है? जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ के जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसकी मानसिकता की है, क्योंकि वो जो चुनकर जा रहे हैं वो नुमाइंदे किनके हैं, भले हम उनको चुनकर दे रहे हैं लेकिन वो ऊंचे वर्ग के खुशहाली के लिए, ऊंचे वर्ग के विकास के लिए काम करते हुए दिखाई दे रही है, और जो वंचितों के न्याय की जो बात है उससे वो हटते जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि ऐसे राजनेता लोग सामने आए, ऐसा पक्ष सामने आए कि जो पक्ष केवल इनके हित की बात करे, जो बुनियादी संविधान ने जो बुनियादी बात कही है उस बुनियादी बात को ताकत देने की बात करने वाले राजनीतिक पक्ष सामने आए, राजनीतिक ताकत सामने आए और वो इस देश के सत्ता में पहुंचे, ये हमारी मानसिकता है। और जब तक ये नहीं पहुंचता, आधे अधूरे लोग जाकर कुछ होने वाला नहीं है, उनके हाथ में झंडा देके हमारा काम होने वाला नहीं है, हमारा झंडा हमारे हाथ में रहे और उस ताकत में जहां पर सत्ता है और सत्ता यानी पावर है जो ये सब कर सकती है, वहां जब तक हमारे नुमाइंदे पूर्ण तौर पर नहीं पहुंच सकते हैं तब तक हमको न्याय मिलेगा, ऐसा 75 साल के हमके अनुभव पर पता चला। अच्छा, लेकिन एक लंबे समय से ये मांग तो चलती आ रही है कि फुले दंपत्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। एक दूसरी बात ये भी है कि बड़े लंबे समय से ये मांग भी चली आ रही कि जहां पहली स्कूल खुली भिड़ेवाड़ा में उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। आपको क्या लगता है, आपका इतने वर्षों का अनुभव है, आपको क्या लगता है कि बजट कम पड़ता होगा इस काम के लिए? भाई महाराष्ट्र का बजट है 5 लाख करोड़ का, महाराष्ट्र का GDP 31 लाख करोड़ का, ये भारत का नंबर वन का राज्य है। इस नंबर वन के राज्य में जो सांस्कृतिक प्रक्रिया, जो न्याय की प्रक्रिया, जो शिक्षा, जो बुनियादी लोगों के विकास की जो जिसकी मुहूर्त हम लोगों ने यहाँ से शुरू की, उस वहाँ वो स्कूल को हम नहीं बचा सकते, तो इसकी इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात महाराष्ट्र सरकार के लिए हो नहीं सकती। सर, आज सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन है, इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज भूषण संघ की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने आए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि इस राज्य में सामाजिक तौर पे उन्होंने जो काम किया है उसको हाईलाइट नहीं किया गया। पुणे में जितना काम सावित्रीबाई फुले ने किया ये लोगों के सामने नहीं आ रहा है, वो लोगों के सामने आना चाहिए और सत्यता जो उन्होंने दिखाई है उसके लिए जनता कभी भी उनके साथ रहेगी, चाहे कोई कितने भी प्रयत्न करे छुपाने की बात करे उनका इतिहास, लेकिन वो सामने आएगा। कुछ हम 11th 12th को लेकर अगर बात करते हैं तो आज की तारीख में हमें ये नज़र आता है पूरे देश में कॉलेज में कोई विद्यार्थी नहीं जाता है, सारे के सारे विद्यार्थी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं और ये प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में लाखों का टर्नओवर होता है हर विद्यार्थियों को लेकर। तो ये एक सीधा बात जाती है जहाँ पे जो होशियार बच्चा है उसको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है और सारे क्वालिफाइड जो टीचर्स है वो सब प्राइवेट ट्यूशन में जा रहे हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं रहने की वजह से वहाँ पे शिक्षा की क्वालिटी वो नीचे जाती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा घटना है या स्थिति है जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले हथौड़ा मारे होते। दूसरा जो है जितने भी मंदिर है उस सारे मंदिरों को महात्मा ज्योतिबा फुले
वापिस से स्कूलों में बदलाए होते, वहाँ पर जो हमारे महापुरुष है, आदर्श महापुरुष है, वहाँ की प्रतिमा, उनकी प्रतिमा वहाँ पर रही होती। ये दो एक स्थिति मुझे ऐसी लग रही है। और तीसरी जो मेन बात है, जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जितने भी शिक्षा के धोरण जो लगा रही है, इसमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। सारे कॉलेजेस में कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनका कंट्रोल नहीं है, सारे प्राइवेट होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले हथौड़ा मारे हुए। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो आंदोलन था, वो आंदोलन से इस वक्त के आंदोलन ने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? हाँ, उसका आंदोलन ये लेना चाहिए कि हमें जो हर इंसान है उसको कैसा शिक्षा मिले, और उसके लिए प्रामाणिक प्रयत्न होने चाहिए जो नहीं हो रहे। हर आदमी अपना कैसा पूंजी जमावे उसी में लगा हुआ है, जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले अपना पूरा त्याग कर चुके थे। वो करोड़पति थे, मगर सारा धन उन्होंने शिक्षा के लिए लगा चुका था, बहुजनों के उद्धारों के लिए लगाया था। कई कॉलेजेस और स्कूल खोले थे जिसमें कोई खुद वो इंस्टीट्यूट वो ये नहीं थे, क्या बोलते उसको, प्रोपराइटर नहीं थे, जहाँ की आज जो है सब प्रोपराइटर के चक्कर में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो एक बीआरएसपी के रूप में आप इस समय सावित्रीबाई फुले को अभिवादन किस रूप में करते हैं? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से आज हम यहाँ पर माल्यार्पण करने आए सावित्री क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को, और आज हमारा संकल्प रहेगा कि हम बस्ती बस्ती जाकर स्त्रियों को जागरूक करेंगे, उनको घर से बाहर निकालेंगे, और इस संघर्ष में प्रयत्नशील करने के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे, हम जागृति का काम करेंगे। आज 3 जानेवारी 2023 सावित्रीबाई फुले जयंती निमित्त भारतीय वर्तमान सभा नागपूर शहर तर्फे आम्ही कॉटन मार्केट चौक च्या पुतळ्याला सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याला मालार्पण केलेलं आहे। या प्रीत्यर्थ मी सर्वांना, सर्व महिला वर्गांनाच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या जनतेला सावित्रीबाई फुले जयंतीच्या शुभेच्छा देते। मला हे सांगायचं आहे की सावित्रीबाई फुले नसत्या तर आमची काय स्थिती असती, आमच्या महिलांची काय स्थिती असती। आम्ही आज शिकून सवरून मोठ्या झालो, आम्ही बोलायला लागलो, चालायला लागलो, आम्ही स्वतःच्या पायावर उभं राहिलो। शिक्षणामुळे काही प्रगती झाली। जर सावित्रीबाई फुलेंनी ती पहिली शाळा काढली नसती तर आज आम्ही शिकू शकलो नसतो। हीच माझी सदिच्छा आहे की पुढेही महिलांनी शिकून सवरून पुढे जावं आणि आपल्या देशाची प्रगती करावी, हीच त्यांना अभिवादन होईल। सावित्रीबाई फुले का जयंती दिवस है, और जयंती दिवस पर अगर सावित्रीबाई फुले को याद किया जाए, उनके कामों को देखा जाए, क्योंकि उनका काम तो सारी जिंदगी इस सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने दे रखी है, अगर उनके इस पूरे जीवन संघर्ष से अगर कुछ सीखा जाए तो क्या सीखा जाए? आज सावित्रीबाई का 192वां जन्मदिन है। हम लोग नागपुर में बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की ओर से मना रहे। सावित्रीबाई ने भारत में पहली बार महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, पहली महिला शिक्षिका है। लेकिन आज जिस महिला ने पूरे भारत के महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, वो महिलाएं उनके जयंती के उपलक्ष्य में बहुत कम नज़र आती है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की तो बात करते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में पॉलिटिकली वो स्टैंड होती है, लेकिन पब्लिकली वो महिलाएं पीछे रहती है। एजुकेशन में भी आज बड़े पैमाने पे आगे है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में महिलाएं कम रहती है। इसलिए तो इसकी वजह क्या महिलाओं का दोष है या फिर पुरुष प्रधान मानसिकता का दोष है? अब ये मानसिकता तो स्वयं में महिलाओं की मानसिकता ही अपने आप को कम आती है, और पुरुष को ही वो ज्यादा मौका देती है। अभी ये दीदी से पूछते हैं, आप अपने आप को कम मानती है? नहीं, कम तो नहीं मानते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जो हमारे महिलाओं की सामाजिक व्यवस्था है पीछे जो है, तो उसका कारण ही बहुत ये 50% आबादी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी वही है। अच्छा। आज भी हम सामाजिक दृष्टिया महिलाएं जो है आजाद नहीं है। हम बोलते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया,
गणतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, ऐसे हमारा कहना है। लेकिन सही में हम स्वतंत्र हो गए क्या? आज भी हमारा जो महिलाओं का डिसीजन है, क्या पहनेंगी, क्या बोलेंगी, कितने बजे आएंगी, ये सभी से लेकर अगर मेल डिसाइड करता है। लेकिन आप ये सब मेल डिसाइड करता है, इनका हमारी बहन का ये कहना है। अब लेकिन हमारी बहन ही है जो बहन बीएसपी का नेतृत्व करती है, तो आप ये कहें कि भाई बहनें बाहर नहीं आ रही, ये बात ठीक नहीं है। महिलाओं ने खुद स्टैंड होना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। महिलाएं खुद आगे आ सकती है, आगे आना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बहुत कम नजर आती है। हाँ। ये हमारा कहना है। अच्छा। कि उसका कारण यह है कि वो खुद खुलकर कॉन्फिडेंस उनमें कम है, तो ये कौन बिल्डअप करेगा? आने का काम तो हम सारे लोगों का, और विशेषता पुरुषों ने उसमें अगर ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट किए तो और अच्छा होगा। मतलब जैसा कि महात्मा पहल करनी होगी ना, महात्मा फुले ने जैसा कि सावित्री के लिए जैसा पहल की, तभी तो सावित्री आगे बढ़ी, जबकि तो अनपढ़ थी। तो इसीलिए हमने वो करना चाहिए। अभी मैं इस उपलक्ष्य में एक बात कहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, ये फुले दाम्पत्य का जो काम है वो विश्व लेवल का है। भारत को तो छोड़ो, विश्व लेवल का काम है। लेकिन भारत रत्न की डिमांड कई सालों से चल रही है, लेकिन ये तो 54 में शुरू हुआ ये भारत रत्न, लेकिन आज तक के बाबा साहब को भी 91 में देना पड़ा, लेकिन आज तक के सावित्री फुले दाम्पत्य को नहीं दिया। वो एक दिया जाए, ये हमारी बहुजन समाज की एक डिमांड है। ये क्या बहुत पेचीदा काम है ऐसा आपको लगता है? ये पेचीदा काम नहीं है। हाँ। लेकिन जो सरकार है वो पेचीदा है। सरकार मनुवादी है, वो नहीं चाहती कि मानवतावादी का बोलबाला जिन लोगों ने किया, ब्राह्मणिज्म को तहस नहस किया, ये मानवतावाद का बोलबाला जिसने किया, वो लोग आगे बढ़े, उन लोगों का गौरव हो, ऐसा वो नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन एक हम ये भी देखते हैं कि जहाँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, सगुना ताई, फातिमा शेख, इन सब ने मिलकर जिस स्कूल को शुरू किए, ये स्कूल जो चलाई पहली स्कूल भीड़ेवाड़ा की, अब एक खंडहर में तब्दील होती जा रही है, और वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसको घोषित किया जाए, उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाए, ये मांग भी बड़े लंबे समय से चल रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार के पास बजट कम पड़ता होगा इन कामों के लिए? सरकार की नीयत में खोट है। अच्छा। सरकार ही नहीं चाहती, नहीं तो भीड़ेवाड़ा की 1 जनवरी जो भारत की पहली महिलाओं की जो स्कूल खोली गई, आज भी वो खंडर, बिल्कुल आपने जो बोला है अभी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे चल रहा, तो एक खंडर, जबकि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी गवर्नमेंट के पास में, उसको संरक्षित किया जा सकता, जिस स्थिति में उसको ठीक से किया जा सकता। लेकिन अगर वो ठीक से किए तो जैसा भीमा कोरेगांव का इतिहास, जैसा कि पेशवाओं को खत्म करने का काम ये लोगों ने किया, वो जो इतिहास नए से जिंदा हो रहा था, पहले ही था लेकिन नए से आगे आ रहा, वही इतिहास यहाँ आएगा कि सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जिन ब्राह्मणिज्म को चैलेंज दिया, उस बहुजन समाज के लोग इसी स्कूल में पढ़े, यही उन्होंने फतरे और शेन माटी खाने का काम किया और उससे समाज को उबारने का काम किया। हम सभी लोगों को पता है कि सावित्रीबाई का जन्म 1831 में हुआ, लेकिन 1848 में 1 जनवरी 1848 को जब स्कूल खोली गई, पहली स्कूल खोली गई, तो आप सोचिए कि वो उस समय सावित्रीबाई का जो उम्र थी वो लगभग 17 साल थी। वो 17 साल की बेटी अगर इस देश के अंदर इतने बड़ा क्रांति कर सकती है। सावित्रीबाई के दो नाम भी है जिसमें हम उनको क्रांति ज्योति बोलते हैं और उनको क्रांति ज्योति बोलते हैं और ज्ञान ज्योति बोलते हैं, ये दोनों नाम भी हम सावित्रीबाई का लेते हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया। अच्छा, ये परिवर्तन करने के पीछे महात्मा ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा योगदान था। तो हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि सावित्रीबाई को फुले दंपत्ति को जो भारत रत्न मिलना चाहिए, उसके पीछे का ये रीज़न है कि अगर इनको भारत रत्न दिया जाता है, इनको राष्ट्रीय लेवल का सम्मान मिलता है, तो ये बात जन जन तक जाएगी। जब ये बात जन जन तक जाएगी तो महिलाएं जो है वो सावित्रीबाई को पढ़ेंगी। अगर उनके घर को, उनके स्कूल को, अगर उस भीलेवाड़ा की उस स्कूल को अगर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हैं तो वहाँ बार बार महिलाएं जब जाएंगी तो उनको ये प्रेरणा मिलेगी। और जो आज महिलाएं 20 साल 25 साल की लड़कियां भी, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा नहीं है जो सावित्रीबाई में 17 साल में था। तो इसीलिए हमारी डिमांड है कि उनको भारत रत्न भी दिया जाए और उनके द्वारा चलाई गई स्कूलों को और घर को ये राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया जाए, तभी इस समाज में महिलाएं आगे आ पाएंगी। क्योंकि जितनी भी महिलाएं आज आगे आई है उसके पीछे सावित्रीबाई का ही बहुत बड़ा योगदान है। जी, आपके जीवन में सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष है वो कितनी प्रेरणा लेकर आता है?
सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिवस है अभी, तो हम तो बहुत सारी प्रेरणा लेके आए हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। वो सावित्रीबाई फुले जो पढ़ी है तो सभी महिलाओं पढ़ने लगी और बड़े बड़े पदों पर। आज का उसका जन्मदिन है, उसके मैं हार्दिक शुभेच्छा देती है। धन्यवाद।